लगे वंश क्या होता है उसके साथ कि जितना गाड़ी में भार घालना था वो लोग लालच में आ जाते हैं। उसने उसकी गाड़ी में ज्यादा वजन रख लिया और जो उसका ऊंट था चालन वाला वो बेचारा कमजोर था। जब उसने वजन घालकर उसको चटकारी दी भाई सारथी चल, तो दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि उसकी लीक जो गाड़ी की लीक थी वह अलग हो जाती है और उसकी गाड़ी का पहिया वही धस जाता। जब वो गाड़ी का पहिया धसा काफी इंतजाम गए लेकिन वो तो बाड़ू रेत था, बाड़ू रेत में कहां कहां क्या क्या जाता है। भगवता सिद्ध महाराज को याद करता है कि हे परम गुरुदेव ईव तो देखे आप पे संभालोगे। उधर से रात अंधेरी होती हुई आती है, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे मेरे बाबा। हे मेरे देव मैं रात दिन आपकी पूजा करता हूँ, आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, अगर आज मेरी यह गाड़ी धस गई ना मेरे प्रभु आपसे मेरा विश्वास उठ जाएगा। जब इतनी बात उसने कही और भगवता सिंह महाराज ने देखा वो इतना सेव तो बहुत बेरा है, फिर गलती भी कर रहे हैं भाई, जितना इसको बाहर लेके चलना चाहिए था उतना नहीं डाल रहा, ज्यादा डाल दिया। फिर भी मैं उदासी छोलंगी आते हैं और पुचकाते हैं, पागल तने बेरा नहीं, मैं चीज कौन हूँ, मैं उस निरंजन नाथ महाराज का चेला हूँ जिनका ये पता नहीं कि कब जन्म हुआ और कब वो स्वर्लोक हो गया। आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको इतनी बात जब मन मन में सुनी, बोला हे मेरे गुरुदेव मेरी गाड़ी का थोड़ा धक्का लगा दीजिए। आते हैं भगवतासी महाराज और कैसे क्या सवाल जवाब देते हैं भगत और भगवतासी महाराज। Oh,
सप्ताह जो भगत मान सम्मान करते हैं उन सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद है। मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ, आपका भाई आपका बच्चा हूँ। यह बात मैंने पहले भी कही थी, अभी सीख रहे हूँ। और किससे सीखूंगा? आपसे सीखूंगा। क्यों? जब आप अच्छी तरह बैठकर सुनेंगे तभी मेरे को यह पता चलेगा भी मेरे श्रोता है। जब उसने इतनी बात सुनी, जंगल में ध्यान करता है, जंगल भी आबादी, उसको कोई आदमी दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके लोग कानों में सिर्फ आवाज आई थी। लू कह लगा किसी छाई घटा घन घोर नाचते मोर यो बदल काट रहा था और कितु रुक रहा है ये मेरे प्रभु का सिद्ध नाटियाड़ा। इतनी बात उसने सुनी, कभी सुनी उसे नजदीक आ जाता। क्या कहते हैं आगे